Welcome back to Seek the Soul, the Truth Lies Within You. This is your channel, ये आपका channel है, and आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस channel को like किया, subscribe किया, and काफी सारे लोगों के साथ में share भी किया है. तो आज हम कुछ important चीजों के बारे में बात करने वाले हैं. आपको पता ही है कि pandemic चल रहा है, COVID-19 के कारण से काफी सारे लोगों के घरों में कुछ ऐसे संबंधी, साथी और चहीते दोस्त जो कर कि मृत्यु को पा रहे हैं, या जिसे कहते हैं डेथ हो रही है जिनकी, या हम स्पिरिचुअलिटी कहते हैं आत्मा ने शरीर छोड़ दिया. तो आज इस टॉपिक को लेकर के हम आगे बढ़ते हैं. सो सबसे मुख्य बात कि हम जानते हैं इस पैंडेमिक के टाइम पर हमारे कंट्रोल में बहुत सारी चीजें नहीं हैं, और एक चीज जिसके ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है कि स्वयं परमपिता परमात्मा भी कहते हैं कि मैं भी किसी का भाग्य नहीं लिखता हूं कि उसने कब शरीर छोड़ना है, कब डेथ होनी है. हर कोई अपना भाग्य खुद ही लेके आता है, और हर समय हम अपना भाग्य खुद ही बना रहे होते हैं. तो अगर आप में से किसी के साथी संबंधी या आपके खुद के ही घर में अगर किसी ने शरीर छोड़ा है, तो ये वीडियो आपके लिए है. और अगर आप जानते हैं ऐसा कोई घर, ऐसे कोई संबंधी जिनके पास में या किसी फ्रेंड के घर पे ऐसी कोई घटना हुई हो, तो आप प्लीज इस वीडियो को अंत तक देखें. और अगर आपको लगे कि ये शेयर करनी चाहिए वीडियो, तो आप जरूर शेयर करें उनके साथ में. सो आज मैं तीन चीजें, मुख्य चीजों के बारे में बात करूंगा कि हम इस सिचुएशन में आने से कैसे इस सिचुएशन से बाहर निकलें, और लास्ट में एक छोटी सी मेडिटेशन जो कि आप हर समय कर सकते हैं, घंटे में एक एक बार, एक एक मिनट के लिए सोने से पहले और सुबह उठने के बाद में कर सकते हैं, ताकि आपके अंदर जो वो दुख है, वो दर्द है, जो वो आपके अंदर चुभन है, या आपके अंदर वो रिग्रेट है, वो आस्ते आस्ते करके हील होती जाए. सो लेट्स स्टार्ट हीलिंग आवरसेल्व्स. सो सबसे मुख्य पहली बात कि हमें अपने आप को फॉरगिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है. जब भी ऐसी कोई घटना होती है हमारे घर में, हम सबसे पहले अपने आप को कोसना शुरू करते हैं. हम काश ये ना होता, काश मैंने वो ना किया होता. हम इन चीजों में जब फंसने शुरू हो जाते हैं, तब हम अपने आप को ब्लेम करना शुरू करते हैं. स्पिरिचुअलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाती है कि हर इंसान या हर आत्मा अगर कहें अपने पूर्व कर्मों के अनुसार और इस जन्म के कर्मानुसार भी वो अपना भाग्य बनाती आई है. और आप जैसे जानते हैं कि हम सब आत्माएं एक एक्टर हैं, हम सब आत्माएं अपना अभिनय, ये अपना एक रोल, अपना एक एक्टिंग को प्ले करने के लिए सिर्फ आए हैं इस दुनिया में. लेकिन वो एक्टिंग करते करते हम हो सकता है किसी के साथ में बहुत अटैच हो जाएं, या किसी की एक्टिंग को देख करके हम बहुत प्रभावित हो जाएं, और ज्यादा से ज्यादा हम अपने ही साथी संबंधी रिलेटिव्स के साथ में, अपने पेरेंट्स के साथ में, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ में अटैच हो जाते हैं. सो अगर हम अपने अभ्यास में सदा ही रहें स्पिरिचुअलिटी में कि हर आत्मा अपना रोल लेके आई है, और आत्मा अमर अजर अविनाशी है. तो आत्मा ने एक शरीर में प्रवेश किया, एक माँ के कोख में प्रवेश किया, और उसने 9 महीने वहां बिताए. उसके बाद में निकल करके उस आत्मा ने अपने हाथ पैर के द्वारा कर्म करना शुरू किया. सांस लेना ही एक सबसे पहला कर्म हो जाता है, आंखों से देखना दूसरा, कानों से सुनना अलग. तो आस्ते आस्ते में आत्मा जाकर के कर्म करना शुरू करती है, और उस आत्मा के अंदर जो संस्कार हैं, जो हैबिट्स हैं, उसके अनुसार वो कर्म करती है. तो हर आत्मा का एक पार्ट, एक रोल है, और हमारा संबंध हर आत्मा के साथ में कुछ चीजों के ऊपर बना होता है. जैसे कि धन हो गया, धन का लेन देन होता है, खुशियों का लेन देन होता है, सुख का लेन देन होता है, आनंद का लेन देन होता है, प्रेम का लेन देन होता है, इमोशनल एक्सचेंज होता है. ये सारी चीजें डिसाइड करती हैं कि हमारा किसी आत्मा के साथ में क्या रिलेशनशिप होगा. अगर आपके घर में या किसी साथी के घर में किसी का शरीर छूटा है, तो आप ये समझिए कि उस आत्मा का आपके साथ में या उस साथी के साथ में उतने ही समय का, चाहे वो धन का लेन देन, चाहे वो संबंध का लेन देन, चाहे वो इमोशंस का लेन देन हो, चाहे वो किसी भी प्रकार का लेन देन हो, वो एक ट्रांजैक्शन था जो कि कुछ समय के लिए था, अब वो खत्म हो चुका है. सो जैसे ही हमारा सफर खत्म होता है एक ट्रेन के ऊपर, हम बहुत सारे लोगों के साथ में होते हैं,
लेकिन जैसे ही हमारा स्टेशन आता है तो हम उतर जाते हैं। ये भी वही बात हुई, ये शरीर है एक गाड़ी का डिब्बा और आत्मा इसके अंदर बैठी हुई वो पैसेंजर है। जैसे ही पैसेंजर का अपना वो सफर खत्म हुआ, वो लेन देन खत्म हुआ, वैसे ही उस पैसेंजर रूपी आत्मा को इस शरीर रूपी ट्रेन के डब्बे से या एरोप्लेन या फ्लाइट से सीढ़ी से उतरना ही है और फिर दूसरी ट्रेन या दूसरे एरोप्लेन में या किसी और गाड़ी में चढ़ना है। तो इसी प्रकार अगर आप अपने आप को ब्लेम करते हैं, अगर आप अपने आप को फॉरगिव नहीं करते हैं कि काश मैं ऐसे ना करती या ऐसे ना करता तो ऐसे ना होता, वेल आपके हाथ में कुछ था लेकिन हर कुछ आपके हाथ में नहीं था। तो स्पिरिचुअलिटी यही कहती है कि हम केवल एक चीज को कर सकते हैं, जो कि आपका सेकंड पॉइंट आता है, वो है एक्सेप्टेंस। सो जब हम एक्सेप्ट करते हैं इस बात को कि हमारे हाथ में सारी चीजें नहीं हैं और हम केवल एक ही चीज कर सकते हैं कि हम इस समय अपने आप को स्टेबलाइज करें, स्टेबल करके हम अपने घर के वातावरण को शक्तिशाली बनाएं। और शक्तिशाली बनाना मतलब कि किसी का देहांत होने से घर में हर कोई दुख में रहता है, पर आप एक बात सोचिए, अगर हम कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हुआ, कि उसको स्वर्ग में प्राप्त हुआ, या वो अब अगले जन्म में स्वर्ग जाएगा या भगवान के पास जाएगा, तो हम तो हमेशा यही कहते हैं ना कि मुक्ति मिले, हे प्रभु मुक्ति दीजिए, ओ गॉड फादर प्लीज लेट मी पास दिस लाइफ, मैं आगे बढ़ूं इस जन्म से, इस दुख की दुनिया से मुझे मुक्ति मिले। तो क्या हमें खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए कि हम न्यूट्रल रह सकते हैं? अगर हम खुश नहीं हो सकते कि किसी को मुक्ति मिली या कोई भगवान के पास गया या किसी को स्वर्ग प्राप्त हुआ, तो फिर हम तो एक प्रकार से सेल्फिश हो गए, है कि नहीं? तो अगर किसी को मुक्ति मिली है, किसी को ये एक प्रकार के लिए भगवान से मिलने की एक अपॉर्चुनिटी मिली है ऊपर जा करके, तो इसी चीज को सोच करके हम क्यों ना ये सोचें कि अच्छा हुआ कि उनको दुख या दर्द से मुक्त होना पड़ा, उनको जो तड़पन हो रही थी उससे उनको मुक्ति मिली, तो मैं क्यों सेल्फिश बनूं, मैं क्यों किसी को पकड़ के रखूं और मैं क्यों इस चीज को लेकर के दुखी हूं? तो मुझे ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मेरे हाथ में बहुत कुछ नहीं है, और दूसरी बात कि जो हुआ उनके लिए अच्छा हुआ, उसमें मेरा भी कुछ है, मेरे लिए भी कुछ सीख है, और मैं कुछ कर नहीं पाया, मैं कुछ कर नहीं पाई अगर, तो वो तो मेरा पास्ट हो गया, अतीत हो गया, मैं पास्ट में जाके कुछ चेंज नहीं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। लेकिन अभी इस समय जो कि तीसरा चीज या तीसरी पॉइंट है जो आप कर सकते हैं, वो ये है जो आपके प्रेजेंट में आपके हाथ में है, वो है कि आप दुआ कर सकते हैं। आप उस आत्मा को जो कि अभी भी आपके आसपास ही कहीं घूम रही है या उसने अगला जन्म लेने के लिए माँ के कोख में प्रवेश कर लिया है या वो ऊपर चली गई है परमात्मा के पास, तो आप केवल एक चीज कर सकते हैं, आप धन्यवाद कर सकते हैं कि आपने मेरे साथ में जो जीवन व्यतीत किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ मुझे सिखाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जो कुछ मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी चीज को अगर हम एक मेडिटेशन के तरीके से लें तो आप आराम से भी बैठ सकते हैं और इन्हीं चीजों को सोचें मेरे साथ में, कि मैं उस व्यक्ति को, उस आत्मा को, उस संबंधी को इस समय अपने मन से दुआ देता हूं कि आपका अगला जीवन या आपका अगला सफर बहुत खुशहाल हो, आप बहुत सुखी रहें, आप जहां भी हों आपको सुख शांति मिले और आपको अपने पिछले कर्मों के जो फल हैं उस अनुसार आपको आगे जाने का एक मौका मिले। मेरी तरफ से आपने जो कुछ भी मेरे लिए अच्छा या बुरा किया हो, अच्छे के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मेरे साथ में जो सफर व्यतीत किया उसके लिए बहुत धन्यवाद, लेकिन जो चीजें आपने मेरे साथ में अच्छी नहीं करी या जिसका मुझे दुख है उसके लिए मैं आपको माफ करता हूँ या करती हूँ। आप हल्के होकर के आगे जाइए, मैं भी हल्का हूँ, इसलिए आज से इस समय से वो आंसू बहाना मैं कम करूंगा या करूंगी, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी ये भी कहती है कि हमारी जो वाइब्रेशंस होती हैं वो आत्मा तक, शरीर छोड़ने के बाद तक पहुंचती हैं। उस आत्मा को शांति तब तक नहीं मिलेगी जब तक मेरा मन शांत नहीं होगा। मैं अगर उनका पेरेंट हूँ या मैं उनका ब्रदर हूँ या सिस्टर हूँ, तो मैं जब तक रो रहा हूँ तब तक वो वाइब्रेशंस उस आत्मा तक भी जा रहे हैं। तो मुख्य बात यही है कि मैं अपने मन को अगर शांत बनाऊं ये सारी चीजें सोच करके,
जबकि आपके साथ मैंने शेयर किया तो मैं अपने आप को भी हल्का, और अगर मैं ये पहचानूं कि अगर मैंने अपने आंसू बहाए तो उसका जो दुख है, वो जो वाइब्रेशंस हैं, उस आत्मा तक अभी भी पहुंच रही हैं, तो आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि वो आत्मा को दुख मिले, या आप चाहते हो कि जो दुख उन्होंने सहन किया जीते जी, क्या उसके बाद भी उस आत्मा को शांति मिलनी, क्या ये जरूरी नहीं है? तो उसको शांति मिलने के लिए आपका मन अगर शांत नहीं है तो उस आत्मा के जो कनेक्शन है, आप जो फील कर रहे हैं, वो ये उनके भी कनेक्शन है। केवल ये शरीर छोड़ दिया है, वो सिर्फ ट्रेन से उतर गए, वो प्लेन से उतर गए, लेकिन फीलिंग्स तो है ना, महसूसता तो है ना, तो वो सारी महसूसता तो अभी भी रह गई है, बिकॉज वो टेलीपैथिकली आपके साथ में उनकी शेयर हो रही है अभी भी। तो मुख्य चीज यही है इस समय, आप कि आप इस समय उनको मुक्त करें, फॉरगिव करें उनको, धन्यवाद करें उनको, और साथ ही साथ आप ना रोएं तो उनको शक्ति मिलेगी। सो इसी के साथ में मैं आपको यही कहूंगा कि आप इस मेडिटेशन को सुबह शाम जब भी उनकी याद आए, बहुत याद आती होगी मेरे को पता है आपको, जब भी याद आए तो इन चीजों को दोहराएं और अपने आप को हल्का करते रहें। अगर आपको ये सुनकर के अच्छा लगा हो तो जरूर कमेंट करें, और कुछ अपने अनुभव हुए हो तो जरूर बताएं उस कमेंट में, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसका एक इंग्लिश वर्जन भी बनाऊंगा, बिकॉज सबटाइटल्स बनाना मेरे को अच्छा नहीं लगता, लेकिन हो सकता है फ्यूचर में मैं बनाऊं भी सबटाइटल्स वाला, लेकिन नेक्स्ट इसका एपिसोड जो होगा वो इंग्लिश में होगा। तब तक मैं आपको धन्यवाद करता हूँ, अलविदा करता हूँ, थैंक यू सो मच, बाय बाय, सी यू।